आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 0 से 6 महीने के बच्चे का वजन किस तरह से बढ़ा सकते हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चों का वजन बढ़ाना फिर भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वो सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। आप उनकी जो डाइट है उसमें ध्यान दे सकते हैं बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन जब बात आती है 6 महीने से छोटे बच्चों के वजन बढ़ाने के लिए, तो हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कि हम क्या करें जिससे कि बच्चे का वजन बढ़े, क्योंकि अभी हम उसको कुछ भी ऊपर से खाने को नहीं दे सकते, कुछ भी पानी नहीं पिला सकते। तो ऐसे में बात है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 6 महीने से छोटे जो बच्चे हैं उनको आप किस तरह से उनका जो वजन है वो आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा अगर आप भी इस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पहली जो चीज़ आती है, पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो माँ से मिल रहे हैं। इसीलिए बच्चे का वजन किस तरह बढ़ाना है वो ज़्यादा डिपेंड करता है माँ पे, माँ की डाइट पे। मदर हैं उनको अपनी जो डाइट है वो थोड़ी सी बढ़ानी होगी। लाइक अगर आप पहले 2 रोटी खाते थे तो अब आपको 3 रोटी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्जी खानी होगी। लाइक 1.5 लोगों का खाना आपको खाना होगा, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड्स खाने होंगे। ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, दूध अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे और बच्चे का जो वज़न है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अपने बच्चे को 2-2 घंटे पे फीड कराते रहिए। अगर आपका बच्चा डिमांड करता है तो आप उसको जब भी उसको डिमांड कर रहा है तभी आप फीड करा दीजिए। अदरवाइज अगर वो डिमांड नहीं भी कर रहा है तो भी आप उसको 2 से 2.5 घंटे के ऊपर अगर होता है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड करा दीजिए। ब्रेस्ट फीड ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए, चाहे हम बात करें वेट गेन की या फिर हम बात करें ओवरऑल हेल्दी रहने की। उसके अलावा आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये तो सारी चीज़ें रही मदर की डाइट के ऊपर। उसके अलावा कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को प्रॉपर अच्छे से साउंड स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से गहरी नींद आए। 6 महीने से छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी लंबा सोते हैं, 16-17 घंटे तक सोते हैं एक दिन में, तो उनकी जो नींद है वो प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है जिसके कारण बच्चे नहीं सो पाते हैं, तो ये भी उनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो बच्चे प्रॉपर सो पाएँ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बच्चे के आस पास सफाई रहे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सारी चीज़ें कर रहे हैं फिर भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आस पास गंदगी है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा कई बार अपना हाथ जो है वो मुंह में दे देता है, काफी जर्म्स चले जाते हैं जिसकी वजह से अंदर ही अंदर जो है बच्चा उस मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास सफाई होनी चाहिए। बच्चे के जो कपड़े हैं वो आपने फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहने हैं। सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप बच्चे को रोज नहीं नहला रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज डेली उसके कपड़े आपको चेंज करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। जो अगली चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे की मसाज करना। अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है आप दिन में 2 बार मसाज करना शुरू कीजिए और आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ने लग जाएगा। मसाजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसाजेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लाइक कई वीडियोस बनाए कौन से ऑयल आपको यूज़ करने हैं समर में, विंटर में, किस तरह से मसाज करनी है, मसाज के बेनिफिट्स क्या हैं, तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको मसाज करनी है, किस ऑयल से करनी है। लिंक मैं सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपने बच्चे को अगर विंटर नहीं चल रही है तो आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाएं, थोड़ा सा फ्रेश एयर में लेके जाएं, उससे भी बच्चे का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर से एम्फसाइज कर रही हूँ कि जो मदर है उसको दिन में 2 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए, जिससे कि जो उनका ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और बच्चे को ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। तो साथ ही साथ एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो ये है कि बच्चों के लिए जो सप्लीमेंट्स आते हैं लाइक कैल्शियम, विटामिन 3, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। ये भी बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, बच्चे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, बच्चों का वेट भी अच्छे से बढ़ने लगता है। तो आप सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। मैंने मेरी डॉक्टर को कौन कौन से सप्लीमेंट दिए थे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही आपको वो सप्लीमेंट्स देने हैं। तो जब भी आपके बच्चे का वैक्सीनेशन का टाइम रहेगा नेक्स्ट, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं बच्चे को बर्थ के बाद से ही देना शुरू कर दिया जाता है और 1 साल तक जो है वो ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से इन सप्लीमेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये बच्चे के दांत आने में काफ़ी हेल्प करते हैं, बच्चे को कम पेन होता है, बच्चे को काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं उसकी बोन्स, तो इन सारी चीज़ों में ये सप्लीमेंट्स फ़ायदा करते हैं। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें इस बारे में।
साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, या आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा, या अगर आपके बच्चे को लूज मोशन का प्रॉब्लम है, उसके पेट में दर्द रहता है, या फीवर रहता है, या बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, कोल्ड लग जाता है, ये सारी परेशानियों की वजह से भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, ऐसे में आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।